हेलो लर्नर्स, अभी तक हम एक्सपोनेंट एंड बेस का रूल 2 तक देख चुके हैं। इस वीडियो में हम रूल 3 देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह देख सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यूजफुल हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रूल 3 है। तो रूल 3 में क्या होता है कि एक्स पे कोई पावर है और वो ब्रैकेट से बंद है, और उसके ऊपर भी कोई अगर पावर दिया हुआ है तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल 3 है। चलिए इसे एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि जैसे कि मैंने मान लिया ए इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और बी इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ही कॉपी किक कर लेते हैं, कॉपी, और वैल्यू को वहाँ यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक जगह पे हमने लिख दिया 2 और बी की जगह पे हमने लिख दिया 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक्स टू द पावर कितना होगा, एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6। तो इस रूल में और रूल 1 में कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे पहले आप एक रूल 1 को देख लें। वहाँ हम पावर को का एडिशन करते थे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो एडिशन में क्या होता था कि एक्स जो होता था वो एक्स एक्स मल्टीप्लाई होता था, एक ब्रैकेट के बाहर एक्स रहता था, उस पर पावर रहता था और ब्रैकेट पे कोई पावर नहीं रहता था। तो इसे आप रूल 1 से कंफर्म कर लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं एक्स का भी एक एग्जांपल लेकर। जैसे कि हमने ले लिया कि एक्स इज इक्वल टू 5 है, 5 है, तो हम पहले इधर LHS को देखेंगे, फिर RHS को देखेंगे, और देखेंगे कि कौन ज़्यादा सही होता है हमारे लिए। खैर, सही होना जरूरी नहीं है, कि आपको जानना जरूरी है कि ये दोनों एक ही चीज़ होती है। तो हम पहले लेते हैं LHS को। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो LHS में हम क्या देखते हैं कि x x की जगह पे 5 लेने से क्या होता है। हमने x की जगह पे 5 ले लिया, तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा कुछ इस तरह, 25 टू द पावर, क्योंकि 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, और 25 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 25 को 3 टाइम्स अगर आप करें तो कितना होगा, 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 25 इंटू 25 इंटू 25 हमारा आंसर होगा 15625, 15625। तो ये हमारा आंसर होगा। ये LHS हो गया। अब हम RHS को देखते हैं कि RHS में क्या होगा, कि RHS में आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर 6, सीधे एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। तो RHS में हम देखेंगे कि एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, यानी कि 5 टू द पावर 6 होगा, और 5 टू द पावर 6 होने का मतलब भी यही होगा, 15625। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि RHS और LHS बराबर हैं, और ये हमारा रूल भी प्रूफ हो गया। तो ये इसमें दोनों में एक ही पड़ा, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा आसान होगा, कि दोनों में एक ही प्रोसेस से गुजरना होगा हमें अपने यहाँ आंसर तक पहुँचने के लिए। लेकिन खैर, आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप को सम दिया जाता है तो कोई भी एक दिया जा सकता है, और जो इजी होता है आप उसी से देखते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम रूल 4 को देखेंगे।